वेस्कॉन इंजीनियरिंग। हाँ वेस्कॉन इंजीनियरिंग, अच्छा आपको मिला है, लेकिन रेसिस्टेंस यहीं पर है वेस्कॉन इंजीनियरिंग का। इनकी अब ट्रेड करा है 56 के आसपास, 57 के आसपास। लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ तो यहीं पर एक रेसिस्टेंस है, लेकिन लगता है इनका नजरिया लंबा है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। तो वेस्कॉन इंजीनियरिंग इनका नजरिया ट्रेडिंग का है क्या मुझे पता नहीं, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कीजिए। ओके, लॉन्ग टर्म में तो होल्ड करिए वेस्कॉन इंजीनियरिंग और लवेबल में भी। गावा सर, इस बीच बैंक निफ्टी 225 ऊपर हो गया, लपक लें क्या अभी लॉन्ग ट्रेड? वापस नीचे आ गया, अब साइडवेज मोड पे है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पैटर्न बन रहा था वो साइडवेज मोड पर है, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए, बट नथिंग टू वरी। मुझे बैंक निफ्टी में जो लोअर लेवल जो हमने सपोर्ट बताया वो होल्ड करेंगे, तो टिप्स मिलती है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस होता रहेगा, और तो फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी भी तो है ना। हाँ, इसकी वजह से वोलेटिलिटी बहुत है। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं फटाफट। संजय दत्ता जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी बताइए। नमस्कार हाँ नमस्कार सर। जी। हाँ मेरे पास 355 रुपीज पर 300 बिरला सॉफ्ट है, क्या इसे होल्ड करना चाहिए या फिर इससे टाटा एलेक्सी पर शिफ्ट कर जाना चाहिए? बिरला सॉफ्ट से सीधे टाटा एलेक्सी? गावा जी, बिरला सॉफ्ट में इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, इस पे रुके रहें या टाटा एलेक्सी ले लें? आई थिंक बिरला सॉफ्ट ही हमने कल भी शायद लास्ट वीक डिस्कस किया था, ये अच्छा स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए बिरला सॉफ्ट। इसका जो सेटअप है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक होल्ड के लायक, घबराना क्यों है। ए से शिफ्ट टारगेट करके कितना बी हो में सकता जाएंगे, है? 5-10% प्लस माइनस होगा और क्या होगा। कंपनी अच्छी है बिरला सॉफ्ट, होल्ड कीजिए, 550-540 तक जा सकता है, थोड़ा स्ट्रेच है, नथिंग टू वरी, होल्ड बिरला सॉफ्ट। 550-540 तक जा सकता है। संजय जी होल्ड करिए इसको, निचले लेवल से बहुत अच्छी तेजी आई है। तो ये थी पूरी स्थिति इस समय जो हमारे दर्शकों ने हमसे सवाल पूछे इस समय। लेकिन एक सवाल और, हीरो मोटो 4% ऊपर 3092 रुपये। गावा जी, हार्ले का कमाल है। हार्ले का नहीं, अनुज जी और मैंने जो दो गाड़ी बुक की है ना उसका कमाल है। उसका ये नहीं तो वैसे हार्ले के तो कहते 25,000 बुकिंग में चौबीस बिल्कुल हजार नौ सौ अट्ठानवे किसी और की होंगी, दो गाड़ी तो इधर के ही हैं। दो हमारी है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन बहुत है। बहुत अच्छा चार्ट, बढ़िया चार्ट लगता जो लोग गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं जैसे सुमित, तो क्या ये हीरो मोटो के शेयर ले सकते हैं? देखिए ऐसा है कि मेरे फैमिली ने मुझे स्टॉप लॉस लगा दिया, बोला नहीं करेंगे अलाउ, तो सुमित को चाहिए तो सुमित को ले लेना चाहिए, मुझसे मैं दे दूंगा, मैंने अभी गाड़ी लेने का ऑफर दी। लोगे? गावा सर से मेरा सवाल था, गावा सर वो हायर एंड बुक किया है क्या आपने वो? हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट एकदम हायर, जो हायर एंड पूरी बुकिंग का टू 65% है। आप बताओ तो वो भैया, गावा सर जैसे प्रीमियम कस्टमर है जिसकी वजह से वो 65% है, वरना होता नहीं इतना। हमारा क्या इरादा है? नहीं, अपने गावा से तो नई थार लॉन्च ले ली, नई हार्ले लॉन्च ले ली, नई मर्सिडीज लॉन्च बुक कर ली, अब क्या क्या लिए जाए इनके पीछे पीछे। सही बात है, गावा जी को फॉलो करना मुश्किल है। गावा जी के चक्कर में मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, जो मिल रहा है वो भी, तो इसलिए रहने दो। गावा सर की गाड़ी भी घूम लेंगे हम लोग उसमें। हाँ, गावा तो कितने दिन तक घूमेंगे उसका, तो हम ही घूमेंगे थोड़ी देर बाद, तो वो बोर हो जाएंगे, नहीं लेंगे तब हम ये ले लेंगे, क्या जा रहा है। ओके, तो ये थी हीरो की कहानी जो कि बढ़िया उम्मीद से चलेगी। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया मदद थैंक करने के लिए, दर्शकों की जुड़ने के लिए। और बैंक निफ्टी अभी भी 200 पॉइंट से ज्यादा की ऊपर की रैली दिखा रहा है, डेज हाई पे चल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।